गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। राउंड टू की काउंसलिंग का शेड्यूल एक बार ध्यान से देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट डेट्स को जरूर ध्यान रख लीजिए। राउंड टू काउंसलिंग वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन जो होगा 4 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच होगा। ये 2 दिन का टाइम लेंगे। आज 5 तारीख है, इसका मतलब वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड द पेमेंट। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम, थोड़ा इसको लार्ज कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 सितंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है और 10 सितंबर तक रहेगी और ये दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 5 से 10 सितंबर तक बेटा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ द 10th September। पेमेंट आप 10 सितंबर को शाम को 3 बजे तक कर सकते हैं जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ दोपहर 12 बजे तक है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट टाइम है 11:55 रात को 10 सितंबर की। तो 6 से 10 सितंबर के बीच में ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग भी करेंगे, चॉइस लॉकिंग भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट का पेमेंट और सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट होगा जिनके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बेटा राउंड 1 में कोई सीट नहीं पाए हैं उनको राउंड 2 की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं पे करना है, किसी भी तरह का सिक्योरिटी मनी नहीं पे करना है। इवन वो स्टूडेंट्स जो राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उनको भी किसी तरह का रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड सिक्योरिटी मनी नहीं पे करनी है। केवल वही बच्चे नया रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया होगा या फिर जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा और वो सीधे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, तो नेचुरली आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करके सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग को एक बार फिर से देख लें। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ द 10th September अप टू 11:55 PM ऑफ द 10th September। यानी 10 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेके रात को 11:55 तक आपको सीट लॉकिंग का अवसर मिलेगा। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में ये ऑटो लॉक हो जाता है लेकिन फिर भी आपको सीट लॉकिंग कर देनी चाहिए। तो मेन डेट्स क्या आ गई बेटा, 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, 10 तारीख तक होगा, इसलिए एज सून एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कर लें। फीस डिपॉजिट करने का भी टाइम यही 5 से 10 सितंबर ही है और आपको जो चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का भी ड्यूरेशन 6 सितंबर से स्टार्ट होकर 10 सितंबर तक रहेगा और चॉइस लॉकिंग जो है आप 10 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेकर के रात में 12 बजने में 5 मिनट पहले तक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, जो आपका काम नहीं है वो एजेंसी करेगी, वो काउंसलिंग कमेटी जो है वो करेगी। और ये 11 से 12 सितंबर के बीच होगा और निश्चित रूप से नेक्स्ट डे यानी 13 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का जो टाइम है 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच होगा, ये 7 दिन का टाइम है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ द डाटा बाय MCC, ये प्रक्रिया 21 से 22 सितंबर तक चलेगी। इसलिए आपकी बेटा राउंड 2 की काउंसलिंग एक तरह से 4 तारीख से स्टार्ट होकर के 22 सितंबर तक चलेगी और आप में से जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी उनको एडमिशन लेना होगा राउंड 2 में, क्योंकि राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, राउंड 1 में आपके पास फ्री एग्जिट का प्रोविजन था। तो ये मेन डेट्स हैं बेटा जिनको आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन कैंडिडेट राउंड 2 में काउंसलिंग करेंगे, एक तो बेटा वो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जिन स्टूडेंट्स को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है यानी उन्होंने राउंड 1 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं किया था, तो वो आएंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करेंगे और अपनी सिक्योरिटी मनी भी जमा करेंगे और रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी मनी को जमा करके खुद को रजिस्टर करेंगे, तो ये फ्रेश स्टूडेंट्स हो गए। दूसरे वो विद्यार्थी जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं यानी उन्हें राउंड 1 में एक सीट मिल गई है और उन्होंने एडमिशन की प्रक्रिया जा करके उस कॉलेज में कर लिया है, फीस जमा कर दिया है, वो अब केवल और केवल राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आएंगे और सीधे चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी जो राउंड 1 में था वही कैरी फॉरवर्ड होगा। कोई सिक्योरिटी मनी इन स्टूडेंट्स को नहीं जमा करनी है जो अपग्रेडेशन के लिए आ रहे हैं, कोई भी इनको रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं देना है, सीधे ये चॉइस फिलिंग करेंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर बेटा ये है कि जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए आ रहे हैं उनको बेटा चॉइस फिलिंग बड़े ध्यान से करना होगा। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया राउंड 1 में, उस कॉलेज के अलॉटमेंट के बाद आप राउंड 2 में उससे बेहतर कॉलेज चाहते हैं। अगर आप बेहतर कॉलेज राउंड 2 में आप चाहते हैं
तो निश्चित रूप से आपकी चॉइस फिलिंग में सारे वो कॉलेज होने चाहिए जो आपके अलॉटेड कॉलेज से बेहतर है अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग में 300 मेडिकल कॉलेज भरे थे, आपको जो राउंड वन में कॉलेज अलॉट हुआ वो 180 नंबर पे था, यानी 1 से लेके 180 तक में आपको 180 नंबर का कॉलेज मिला। इसका मतलब इन 180 कॉलेजेस से ऊपर जो 179 कॉलेज थे वो आपके अकॉर्डिंग 180 नंबर वाले कॉलेज से बेहतर थे। और अब आपको लगता है कि पहले राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। अब आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या करना है, 180 नंबर का कॉलेज जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में था वो मिला, तो अब आपको इसके ऊपर के 179 जो कॉलेजेस हैं उन्हीं को ऐड करना चाहिए। अब आपको ये कभी लग जाए कि 180 से नीचे, मान लीजिए कोई कॉलेज आपने 190 पे रखा था और आपको लगता है कि ये कॉलेज अब मुझे बेटर लग रहा है, ये हम चाहते हैं, तो आप इसको भी प्रायोरिटी लिस्ट में या चॉइस फिलिंग में ऊपर डाल दीजिए। लेकिन आमतौर पर फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग आप करते हैं वो काफ़ी परफेक्ट होती है, तो अगर आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा जिस लेवल का कॉलेज आपको मिल गया है उस लेवल के कॉलेज से नीचे के कॉलेज चॉइस फिलिंग में मत डालिएगा। अदरवाइज सेकेंड राउंड में अगर वो अलॉट हो गया तो फिर आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नहीं भरेंगे जो आपको अलॉट हो गया है, नहीं तो वो कॉलेज फिर से अलॉट हो जाएगा आपको, तो फिर उसके अंदर कुछ असुविधाएं आपको आने वाली हैं, दोबारा एडमिशन वगैरह लेना होगा। जो बच्चे राउंड टू में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें मैंने आपको दो ग्रुप बता दिए। पहला वाला ग्रुप क्या है एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं। फर्स्ट ग्रुप है बेटा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, सेकंड ग्रुप जो है वो अपग्रेडेशन के लिए आ रहा है राउंड टू के लिए, उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी। तीसरा वो स्टूडेंट हो सकता है जिसने फ्री एग्जिट ले लिया था। फ्री एग्जिट क्यों लेना पड़ा आपको, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था, आप वहाँ रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं गए तो आपका फ्री एग्जिट हो गया, तो आपको अब राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो ये प्रक्रिया है किन किन विद्यार्थियों को राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में बेटे यही बात करनी थी, नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसकी जो और बारीक जानकारियां हैं उनके साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।